उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 5 साल जरूर विकास कार्य से सफर हुए हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप मतदान केंद्र पर आए और अधिक से अधिक मतों का अपना उपयोग करें। नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप आए और अधिक से अधिक मत करें। यहाँ मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि 5 साल तक शहर का बहुत बेहाल हुआ, मतलब हर तरह से जो अभी पिछला बोर्ड था कोठारी साहब से, उनसे कोई संतुष्ट नहीं है, कहने की बात नहीं है। और अभी मैंने काफ़ी पोलिंगों पे पता किया तो मतदान केंद्र पर बहुत ही कम परसेंटेज मतदान गिर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि उदयपुर की शहर की जनता को बड़ा उनको गुस्सा है कि हम वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी का 25 साल से वोट बनता है जी, बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, लोग परिवर्तन चाहते हैं ना, परिवर्तन तो चाहते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस इस बार पूरे जोश और उमंग के साथ निकल के आई है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो बहुत कम सीटें आई थी चंद्र सिंह जी कोठारी के बोर्ड में, लेकिन इस बार विकास के नाम पे काफ़ी परिवर्तन आएगा और कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे पार्षद आएंगे। इस बार जीतता है नहीं, बोर्ड का तो मैं क्या बताऊँ आपको, वो तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि कांग्रेस के पार्षद पिछले बोर्ड की तुलना में इस बार ज़्यादा आएंगे। आप पहले वार्ड 22 से एक बार पार्षद रहे और अगर वहाँ के वार्ड की अगर बात करते हैं तो क्या बड़ी समस्या अभी उस वार्ड में है जो पहले पूरी नहीं हो पाई? देखिए, मेरा वार्ड 22 था और उस वार्ड 22 में 3 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा 32 में गया, एक टुकड़ा 27 में गया और एक टुकड़ा गया 26 में। तो अभी हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी पायल कुंवर जो खड़ी हुई है, वो क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा विकास का काम कराया है, मैंने पायल कुंवर के वार्ड में बहुत ज़्यादा विकास का कार्य कराया, तो मेरे कार्य का जो लाभ है वो पायल कुंवर को मिलेगा और पायल कुंवर वहाँ से जीत दर्ज कराए, पायल कुंवर निश्चित जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद है उन्होंने काम नहीं किया, पूरी जनता जान रही है, वार्ड 27 की जनता जान रही है, लेकिन मैं जो पूर्व पार्षद थी राजकुमारी मैनारिया, जो वार्ड 27 का एक टुकड़ा है, तो वो लाभ पूरा पायल कुंवर को मिलेगा और पायल कुंवर भारी मतों से जीतेगी। जय हिंद, जय भारत। अभी तक जो घरों से निकल के बाहर नहीं आए वोट डालने के लिए, आपके वार्ड में ही नहीं पूरे शहर में, उनको क्या कहोगे सबसे? वो जो अभी तक चल रही है, अभी बहुत टाइम बाकी है, सभी आएंगे ना वोट डालेंगे। जो नहीं निकले उनको क्या कहोगे? उनको कुछ नहीं कहेंगे ना, वो आएंगे, आ जाएंगे जरूर आएंगे। क्या लगता है अब बदलाव होना चाहिए, जनता चाहती है, जनता जा रहे हैं लोगों के बीच में क्या? हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग, जनता जो है ये पूरे शहर को खोद रखा है, खड्डे पड़ रहे हैं और हालत खराब है, पार्षद 5-5 साल कभी जाते नहीं है, लाइट पानी सबसे लोग दुखी है, इस कारण से वो जो है अब बदलाव चाहते हैं। 5 बोर्ड देख लिए, अब ये इसलिए बदलाव होगा। बदलाव है इस बार थे आपके, किस ओर की हवा चल रही है? अच्छी हवा चल रही है बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। तो इस बार कांग्रेस का वोट बन जाएगा बिल्कुल बनेगा, आएगी, ठीक है आएगी, पहले से बहुत ज़्यादा आएंगे कांग्रेस के पार्षद बहुत ज़्यादा आएंगे, और हमारे जो कांग्रेस के पार्षदों की जो छवि है ना और कार्य करने की शैली है ना, उसके कारण ही जो हमारे जो पार्षद आएंगे है ना, जैसे आपके पायल के बारे में भी आपने पूछा था मेरे को, तो उसका मात्र आने का भली नया चेहरा है पर पायल इसलिए आएगी क्योंकि मैं उस वार्ड की पार्षद थी और मेरे काम का लाभ पायल को मिलेगा, 100% मिलेगा और पायल अच्छे वोटों से जीतेगी। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट हमारी है, अगर कोई काम नहीं हो पाएंगे और हमारे पार्षद जीत के जाएंगे तो हम उन पार्षदों का भी सहयोग करेंगे और पार्षद के साथ रह करके हम सारे विकास के कार्य करवाएंगे। आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया मैंने।
मताधिकार का उपयोग? बिल्कुल 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 कर लिया मैंने। क्या लगता है आपको वार्ड की जनता क्या चाहती है, कैसा पार्षद चाहती है? वार्ड की जनता वही चाहेगी जिसमें काम करने की क्षमता हो, युवा 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 वगैरह, युवा पार्षद को ही चुना जाएगा। कुलदीप जी को आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी भी तरीके से, तो पर जो समर्थन जो पब्लिक का रुझान रहेगा वो तो वही चुना जाएगा। आपने वोट दिया है, आपने बीते 5 साल देख के वोट दिया है या आने वाले 5 साल वोट दे देंगे? आने वाले 5 साल देख के देंगे, आने वाले विकास बीते जो भी कुछ थे, पर जब अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उदयपुर में, तो उसको देखते हुए ही चुना जाएगा पार्षद के कौन पार्षद बनना चाहिए। क्या लगता है कैसा पार्षद आना चाहिए यहाँ पे, जो मतलब जो कर्मठ हो, जुझारू हो, नजर नहीं आए ऐसा? नहीं नहीं नहीं, जो काम करता हुआ दिखे वही पार्षद आना चाहिए। जो लोग अभी तक घरों से निकल के नहीं आए उनको क्या कहना चाहेंगे? वो निकल के आए और अपनी सरकार को चुने, आपकी लोकल सरकार चुनी जानी है तो उसको चुनना चाहिए। किला सोनी, वार्ड संख्या 53 जी। अभी गीता देवी और कुलदीप जोशी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला, पर जो वातावरण का दिख रहा है यहाँ 70-20 का आसपास लग रहा है, रेसा और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुलदीप जी के तरफ 5-6 हज़ार तो आसपास होना चाहिए। जी जी हुकुम। तो खाली दोनों ही पार्टियाँ हैं सामने है? नहीं, निर्दलीय में इतना कोई ऐसा वातावरण नहीं है। कृष्णा जी है, नाम सुना मैंने, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, पर कुलदीप जोशी की तरह से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आपने वोट दे दिया? मैंने जी बिल्कुल दिया था। किसको दिया? मैंने जो अच्छा कैंडिडेट उसको वोट दिया है, जो काम करने के। आपके मताधिकार का प्रयोग किया है जी, क्या देख के किया है पिछले 5 साल? नहीं, पिछले 5 साल का तो जो प्रॉब्लम हुई थी उसको अच्छा देखते हुए अब हम कुलदीप जोशी को ला रहे हैं, कि वो एक ऐसा युवा बंदा है, तो क्यों आज युवा होगा वही काम कर सकता है वार्ड में। बुजुर्ग लोग को क्या कर सकते हैं, खाली बात चला सकते हैं, आगे कह सकते हैं, अपन समझते हैं बुजुर्गों की जरूरत है, पर क्या युवा वार्ड के ये जो चुनाव है वो युवा का है, तो मेरे हिसाब से युवा को आगे लाना चाहिए और मेरे 100% वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जी होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, एक पार्षद को हम चुनते हैं आने वाले 5 साल के लिए जी, लेकिन उसके बाद कई वार्डों में शिकायत मिली कि पार्षद 5 साल तक नजर नहीं आता, तो वो ऐसा अपने आप को ठगा सा महसूस? बिल्कुल होता है ऐसा। 50 वार्ड जैसे पिछली बार 50 वार्ड थे, 50 में से 5-10 पार्षद ऐसे होते थे जो नदारदी रहते थे। मैं चाहता हूँ इस बार जो चुनाव हो रहा है अच्छे कैंडिडेट देख के अपना मत का उपयोग करें, ऐसा नहीं है कि चलो किसको वोट देना क्या नहीं, अपने खुद दिमाग का उपयोग करें और उसी को वोट दें। अब जो जिन्होंने जो पिछली बार ये प्रॉब्लम हुई थी तो नदारद रहे, उनके ऊपर कुछ ऐसा मतलब नगर परिषद को उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, कभी ऐसे लोगों को नहीं लाया क्यों पार्टी को नुकसान है उससे। और मैं चाहता हूँ कि भाई यंग आवे, युवा आवे, बोर्ड अच्छा बने, बिल्कुल वार्ड का विकास होगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 वार्ड में विकास के कार्य किए, जनता उसको देखते हुए भाजपा के पक्ष में पूरा समर्थन मूल्य भाजपा में प्रत्यक्ष ही बने हैं। वार्ड वासियों से मैंने जो विश्वास जताया उनको भरोसा दिलाता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक इसी वार्ड के विकास कार्य में लगाऊंगा, उस वार्ड को राधा स्वार्ड साबित करूँगा। सर आज तक आप लोगों की सेवा का काम भी करते आए हैं, किसी भी आप जिसको नहीं जानते हैं उसका भी कोई काम आपसे पड़ा है तो आपने उसको पूरा किया है, ये हम सब लोग भी जानते हैं, लेकिन अब आप एक जिम्मेदारी के साथ आपको उस काम को निभाना है, कैसे कर पाएंगे, कैसे समय निकाल पाएंगे? जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का काम करना है, नगर निगम से संबंधित जो काम होंगे उसके अलावा नगर निगम के अलावा भी जो संबंधित विभाग है उनसे भी अगर जनता की समस्या होगी उसके लिए भले उतरना पड़े लड़ना पड़े मैं हर समय तत्पर रहूँगा कार्य। तो इस बार अगले 5 साल तक आपके वार्ड की क्या हम ऐसा मान लें कि आपके वार्ड के किसी भी सदस्य को नगर निगम में अगले 5 साल में कोई भी ज्ञापन नहीं देना पड़ेगा? मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं, मैं वादा भी करता हूँ ऐसा कभी हुआ सबसे पहले मैं इस्तीफा सौंप दूंगा अगर मेरे से काम नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। अभी तक सर 1.5 दिन निकल चुका है, मतदान चल रहा है, जो लोग अभी तक मतदान करने नहीं आए जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है आपके वार्ड में ही नहीं पूरे शहर में सित्तरी वार्ड में चाहे किसी भी पार्टी को दें, उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? उनसे मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, किसी भी उनका गुप्त मतदान है किसी भी पार्टी के समर्थन में करें पर मतदान अवश्य करें, घरों से निकल मतदान के प्रति जागरूक हो और घरों से निकल कर मतदान प्रति से बढ़ने का सहयोग। आपने वोट दे दिया था? मैंने मेरा वार्ड 52 में था, सुबह घर से निकल के मैंने मेरा 52 में जाकर मैंने अपना मतदान किया। किसको दिया वोट आप? मैंने पार्टी को दिया। आपको पार्टी को दिया? हम बोलो नाराजी शर्मा।
कंचन सोनी पहले वार्ड 11 था, 11 की मैं पार्षद थी कंचन सोनी, और अभी कुलदीप जी को उतारा है हमने, युवा भी है, पहले से भी अच्छा काम करते तो हम लोग चाहते कि ये आए और अच्छा से वार्ड का विकास करे। क्या लगता है कुलदीप जी आएंगे तो अभी वार्ड का कायाकल्प हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल जाएगा नया आपके वार्ड में। जो जो वार्ड की समस्या होगी वो तुरंत आवश्यकता है तो सड़क नाली बिजली पानी, वो अभी हमारे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है भाई साहब। वैसे हमारे महिला स्नानागार बने हुए हैं, मीरा पार्क के ऊपर एक पार्क बना हुआ है, उसको मेंटेन रखवाना इस पार्षद का काम है, और जनता के बीच खड़ा रहे। मैं यही चाहती हूँ कि पार्षद जनता के बीच खड़ा रहे, जनता की समस्याओं को सुने। मैंने 5 साल काम करा, जनता का आशीर्वाद आज भी मेरे पर है और सब मेरे को अच्छे से बिहेव करते मेरे साथ। बिल्कुल जीतते साहब, 25 साल से बोर्ड बन रहा है, इस बार भी बढ़ेगा, हमारा भाजपा का पर्चम फहराएगा, हमारा महापौर बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई साहब। आपका नाम निर्मला, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। इस बार यही अपने बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी पक्का आएगी। आपने वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया, भाजपा को दिया वो तो कोई बात नहीं। मिटाया तो नहीं आपने? नहीं, अपना मिट गया। आपने क्या देखकर वोट दिया है? पिछले 5 साल देखे या आने वाले 5 साल देखे? आने वाले 5 साल भी देखे और पिछले भी देखे। पिछले भी और आने वाले 5 साल भी आपने देखे। क्या लगता है गोपाल जी अगर जीतते हैं आपके वार्ड से तो काम होगा? जरूर होगा। क्या काम बड़े बाकी हैं आपके वार्ड में, कुछ ऐसा आपको लगता है कि? जो बाकी है तो बताएंगे, उनको बताएंगे, वो निवारण करेंगे। जीत जाएंगे? जरूर जीतेंगे। सही है, बिल्कुल। करतार सिंह। कौन सा बूथ है, वार्ड क्या लग रहा है? वार्ड नंबर 53। कितने सुरक्षा की दृष्टि से? कितने? नहीं, यह 5 बूथ है तो 10 आदमी है। 5 बूथ पे आपके लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे मतदान हो रहा है? सुबह 7 बजे कुछ सुबह से कोई ऐसी घटना तो नहीं? नहीं कोई घटना, शांतिपूर्ण मतदान, शांतिपूर्ण शांति बिल्कुल शांति। ये वार्ड 53 से मैं एडवोकेट अनिल पालीवाल, पूर्व में बाहर में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और इसी क्षेत्र में बड़ा होकर सब कुछ रहा हूँ। बहुत अच्छे वार्ड में आप रहे हो, आप अधिवक्ता भी हैं जी। एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है उदयपुर में, वोट सीट भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, उसी में से कहीं ना कहीं इसको भी गिना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गीता जिया है और दूसरी तरफ भोपसा है, दोनों का प्रेम और दोनों की मोहब्बत आम जनता के प्रति हमेशा से सरल और सहज रही है। क्या लगता है इस बार कैसी हवा किस तरफ चल जा रही है? मैं हवा कहते नहीं बता सकता, मेरे वार्ड में बता सकता हूँ, एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक युवा है जी, एक अपने आप में गीता है, अपने आप में कुलदीप, कुलदीप उनके हाथों में ही बड़ा हुआ है और कुलदीप ने उनके जीवन के सामने राजनीति सीखी है, तो वक्त का तकाजा है, तो कुलदीप अपने आप में बहुत मेहनती है। गीता जी ने बहुत सेवा की, गीता जी को पहले लोगों ने मोहब्बत दी है, यहाँ जीते हैं और अच्छे मतों से सेवा करके जीती, आज मौका मिला है कुलदीप को। दोनों बराबर कहते हैं माँ बेटे दोनों एक साथ युद्ध है अंदर, ये आज शाम को 6 बजे तक का ही है सारा खेल। नहीं कहा सर, माँ बेटे का आपस में युद्ध है, क्या राजनीति माँ बेटे को आपस में युद्ध करा देती है? नहीं, ये कुछ आज के 6 बजे तक का युद्ध ही है, फिर माँ बेटे कल वापस शाम को 7 ही है। और वोट दे दिया? मैंने वोट दिया है, मैंने वोट दिया है बिल्कुल। अभी तक जो निकल के नहीं आए घरों से जी, के वार्ड में ही नहीं पूरे शहर में जी, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा ये आज लास्ट मौका है, 4 घंटे बचे हैं, अपना मताधिकार का यूज करें, कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आज नहीं निकले तो 5 साल तक आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना राइट है, राइट को अपन यूज करना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है, सुबह से 7 बजे से लोग लगे हुए हैं, घरों के काम छोड़ के मतदाता अपने बूथ पर है। बिल्कुल, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार युवा लोग, क्या चाहते हैं? सरकार वही चाहते हैं जो शहर का डेवलपमेंट करे, शहर के दर्द को समझे, वो लोग समझे क्या हुआ 5 सालों का, उसको देख के रिजल्ट देवे, उसको देख के मतदान देवे। थैंक यू। वार्ड नंबर संख्या 53 है और मेरा नाम है सुलोचना मेनारिया और मैं यहाँ वोट डाल दिया। मैंने तो डाल दिया मेरे एरिया में, मतलब मैं गारियावास रहती हूँ, मेरा ससुराल गारियावास है। यहाँ पे आप किसी की कैंपेनिंग करने आए हैं? मैं अपने नानी जी की कैंपेनिंग करने आई हूँ और मैं अपनी बच्ची जो चौथी पीढ़ी है प्रतिष्ठा मेनारिया, वो भी मेरे साथ में लगी हुई है। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है आपके वार्ड से भी और यहाँ के वार्ड से भी?
लोगों से भी, लोगों को भी आपने देखा होगा, क्या लगता है? हाँ, यहाँ से आएगी कांग्रेस, आएगी यहाँ से। हाँ, और जीतता है, और इस बार गीता जी की जीत आएगा? जहाँ गीता जी का नाम है वहाँ तो जीत निश्चित ही है, जीत जाएंगे जी। क्या लगता है आने वाले 5 साल में अच्छा काम करा देंगे अपना? इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, नल, लाइट, बिजली, अच्छी सुविधा इन्होंने की है। और ये एक महिला है तो एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, और महिला तो खुल के महिला के पास जाके अपनी समस्या को बता सकती है। तजुर्बा भी इनको काफी, तजुर्बा भी, अनुभव भी इनको काफी है। लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा, पहले भी मिल चुका है और आने वाले 5 साल में भी मिलेगा। आपका नाम बताओ बेटा। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। यहाँ पे किसके लिए आए हो आप? नानी जी के लिए। नानी जी के लिए। क्या नाम है नानी जी का? गीता पालीवाल। गीता पालीवाल। जीत जाएंगे वो यहाँ से? हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ।